आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। पर बड़ा साहब अंबेडकर आए और एक जबरदस्त शुरुआत की है, और जिंदाबाद इसलिए क्योंकि आज से जो नारा है बाड़ा साहब अंबेडकर के संघर्ष का, ये पूरे भारतवर्ष में गूंजेगा, इसलिए उसके लिए जिंदाबाद। 2 मिनट मुझे दिए हैं, मैं डॉक्टर हूं, मुझे 2 ही मिनट मिलते हैं क्रिटिकल यूनिट में लोगों की जान बचाने के लिए, और मैं 2 ही मिनट में आप सबको ये बात बताना चाहूंगा कि जो संविधान है, संविधान से जो छेड़छाड़ है, मुस्लिम और दलित युवाओं को जो जेल में टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये जो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ है, ये बौखला गए हैं, बदहवासी छा गई इनमें। इनका सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किस तरह दलित मुस्लिमों को परेशान करके वापस से वर्ण व्यवस्था शुरू की जाए। लेकिन जब तक के आप जैसी शेर दिल माताएं बहनें हमारे साथ है, कंधे से कंधे मिलाने वाले हमारे युवा हमारे साथ है, और इन जैसे बुजुर्गों का नेतृत्व हमारे साथ में है, और बाड़ा साहब अम्बेडकर का जो नेतृत्व है उसकी छाया हमारे पे है, संविधान के खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जब हम छोटे थे हमारे घर में एक बाबा साहब की बाल रूप के रूप में एक फोटो हुआ करती थी, वो इसलिए नहीं हुआ करती थी कि हम उस पर तिलक लगाए, वो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि हमारी माता हमें कैसे चाहती थी कि अगर फ्यूचर में बच्चा बने तो बाबा साहब जैसा बने। तो अब वक्त आ गया है उस माँ के दूध का कर्ज निभाने का। तो आप मेरे साथ, क्या आप बाबा साहब की आवाज नहीं बनोगे? क्या आप उनकी आवाज बुलंद नहीं करोगे? क्या आप उनका कंधे से कंधा लेके साथ ले? और अपने 2 मिनट में समाप्त करूंगा कि कह दो जाके शोलों से चिंगारियों से, कह दो जाके शोलों से चिंगारियों से, इस बार फूल खिले हैं तैयारी से, और उस बादशाह के फेंके सिक्के भी हमने नहीं उठाए, हमने अपना हक भी मांगा है तो खुददारी से। जय भीम, जय मीम, जय भारत। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलें।